ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नवजोत सिंह सिद्धू रस्मी तौर पर कांग्रेस दे विच शामिल हो गए। इस दे नाल ही उन्होंने अकाली दल के सियासी बाउंसर्स की बरसात कर दी। सिद्धू ने अकाली दल नूं मंथरा ता बीजेपी नूं के कई कह के पुकारिया। उधर अकाली दल प्रधान भी पहला तो ही तैयार बैठे सन। उन्होंने सिद्धू के जुबानी बाउंसर्स उत्ते सिक्सर लगाउण दे विच कोई घाट नहीं छड्डी। कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था? वो मंथरा कौन है? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सिद्धू नहीं कहता, राजेश खन्ना कह गए, बहुत पुराने, वो भी कांग्रेसी थे। माँ बोलता था लेकिन माता तो कह कही भी थी, ठीक नहीं थी। वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। सिद्धू कांग्रेस को क्या गालियां निकालता था, गांधी परिवार को क्या गालियां निकालता था, राहुल गांधी को क्या गालियां निकालता था। अब सोनिया गांधी को अपनी मां बना ली। जो हर रोज अपनी मां बदलता है वो इंसान क्या है? उससे वैसा इंसान तो कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हां दी मां पार्टी है, पैदाइशी कांग्रेसी ने, जिस उत्ते सुखबीर बादल ने दावा किया कि 6 महीने के अंदर सिद्धू अपनी मां पार्टी बदल लेंगे। मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। I've just come back to my roots. मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। सिद्धू एक ह्यूमन बॉम्ब है, इत्थे जाके ने फटना है। तुसी मैं तुहानू अज लिख के देना, 6 महीने दे अंदर अंदर आई सिद्धू ने गाला कढ़नियां ठोक के राजे नूं ते ठोक के राहुल गांधी नूं, फिर उहदे बाद अपनी मां पार्टी फिर तो बदलूंगे नवीं मां। कांग्रेस च शामिल होण ते सिद्धू ने अकाली दल ते बेशक जम के भड़ास कढ़ी है, पर बीजेपी ते नरम रवैया अपनाउंदे होए भविख दी गुंजाइश नूं बरकरार रख्या है। दिल्ली तो पंकज कपाही दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना।